नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल के जरिए आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो 28 फरवरी का दिन आपका कैसे रहेगा ये जानेंगे और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा दिन है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। दिन की शुरुआत भले ही अच्छे हो लेकिन शाम के वक्त किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। अपना ऊर्जा से भरपूर जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नया ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की और जानेंगे 28 फरवरी का दिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी आदत के कारण आपको आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दुरुस्त रखें और पलटकर तलख जवाब देने से बचें। ऐसा करने से आप आसानी से दूसरों की कड़ी टिप्पणियों से निजात पा सकते हैं। जिन लोगों से किसी से उधार लिया है उन्हें आज किसी भी हालत में उधार चुकाना पड़ सकता है जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। दोस्तों के साथ राहत देगा। अप्रत्याशित रोमांस आपको अचानक मिल सकता है। अगर आप दोस्तों के साथ शाम को बाहर घूमने जाते हैं तो काम में धीमी प्रगति हल्का सा मानसिक तनाव दे सकता है। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। रात के समय आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आपको वापस मिल सकता है। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें अपनी प्रेमी की याद सता सकती है। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। किसी ऊंचे और खास इंसान से मिलते समय घबराए नहीं और आत्मविश्वास बनाए रखें। ये सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना काम धंधे के लिए पैसा। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। और अब बात करेंगे तुला राशि की और जानेंगे 28 फरवरी का दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आउटडोर गतिविधियां काफी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होगी। अटके हुए मामले और घने होंगे। खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके महंगे तोहफे भी अपने प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली परख है क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों को अपने उदार स्वभाव का गलत फायदा ना उठाने दें। अपने प्रिय की बातों के प्रति आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। और अब बात करते हैं धनु राशि की और जानेंगे 28 फरवरी का दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण ना बनने दे। इससे बचने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। धन की आवाजाही दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। सहकर्मी आपको काफी सहयोग देंगे और कार्य क्षेत्र में विश्वास की नींव पर नए रिश्ते की शुरुआत होगी। और अब बात करते हैं धनु के बाद मकर राशि की। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसला लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आपको वापस मिल सकता है। दिन के उत्तरार्ध में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। निवेश के लिए अच्छा दिन है लेकिन उचित सलाह से ही निवेश करें। दिन में उत्तरार्ध में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा क्योंकि आपके प्रिय आपके लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित होंगे। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की।
थोड़ा विश्राम करें और काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बीते दिनों किए गए फिजूल खर्च के कारण आपके पास पर्याप्त धन नहीं होंगे। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपके घर मेहमान से भर सकता है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।